ये हमारे डाटून मतलब साल भर के बाद मैं यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज लाइक द नॉर्मल एक डाउन किसी साथ के है द टिपिकल डाउन. लेकिन और सच में यार नेशा के साथ डील करके उसका शादी वहाँ पे वो घर है उसी साइड में मंडप लगा के वो लोग मतलब उसी हिसाब से हैं. और इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर अ फर्स्ट टाइम इन झारखंड. आई एम रियली हैप्पी. A few moments later. और लगभग कम से कम 3-4 घंटे के सफर के बाद फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो दूल्हा और दुल्हन अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुका है. सो फाइनली मेरा जो सफ़र था हेमंत का मतलब बारात का सफ़र सो इट्स गन बी एंड तो उसी हिसाब से है. तो चलिए आगे किस हिसाब से किस्सा चलते हैं देखते हैं. थकान है प्लस जो भी हो लेकिन एक अलग सा एक्सपीरियंस है इन झारखंड. आई रियली एंजॉयज. आप देख सकते हो दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे अपने हिसाब से रीति रिवाज चल रहा है. सो फाइनली हेमंत पहुंच चुका है अपनी दुल्हन के साथ अपने घर. सो इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और मुकेश चलो बढ़िया है बढ़िया वो चला आया. आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों का स्वागत कर रहा है यहाँ पे हेमंत. वाला बात नहीं सीन में हो गया मोहल्ला हमारे दूल्हे राजा हेमंत का. तो इसका ये एसी फ्लोर के नीचे है इसी हिसाब से. तो छत पे हम लोग बैठे हुए हैं. तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का मुकेश भाई. और ये हमारा डाटून मतलब साल भर के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस इज़ लाइक द नॉर्मल एक गांव किस हिसाब से है द टिपिकल गांव. लेकिन ये इमली का पेड़ यहाँ पे भी आप इमली देख सकते हो. बट स्टिल अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. दे यूज़ सोलर पैनल्स इस हिसाब से और जनरेटर वगैरह ऐसे लगाने पड़ते हैं. सो यू कैन सी द अमेजिंग वाइब्स. लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं और आज दिन के लिए जो खाना वगैरह बनेगा उसके लिए वहाँ पे जुगाड़ चल रहा है. तो जो भी हो इस साइड से और ये हल्ले सुखा रहे यही सब. बाकी हम तैयार होकर फिर दिखाएंगे आप सभी को. यहाँ पे हमें टी लगाएंगे अभी. यहाँ पे निशाना लगाएंगे. चैनल अगेन. दूसरा दिन का मतलब सुबह मैं उठा फिर मैं घर पहुंचा हेमंत के घर मतलब बाराती लेके आए. और उसके बाद उसी हिसाब से उन लोग का जो रिवाज है उसी हिसाब से चल ही रहा है. और यू कैन सी द अमेजिंग खेत यहाँ पे है. तो खेत खलियारे के बीचों बीच सो मैं कह सकता हूँ मोदी जी आपने कहा है 75 इयर्स मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव. लेकिन यार फिर भी जैसा माहौल में हम लोग अभी है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है. जनरेटर लगाना पड़ रहा है या फिर सोलर सिस्टम उसी हिसाब से सोलर पैनल है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे है. तो हाँ इंडिया का बहुत डेवलप हुआ है बट कुछ कुछ इलाका जो अभी झारखंड में अभी जहाँ पे है यहाँ पे उस हिसाब से नहीं हुआ है. फिर भी जो भी हो यार की शादी है हमें सब कुछ झेलना है. तो उसी हिसाब से हूँ और अभी उसका कुछ पर्व चल रहा है तो उसी हिसाब से कुछ वहाँ पे चल रहा होगा. और सच में यार नेशा के साथ डील करके उसका शादी वहाँ पे वो घर है उसी साइड में मंडप लगा के वो लोग मतलब उसी हिसाब से है. और इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर अ फर्स्ट टाइम इन झारखंड. आई एम रियली हैप्पी. चलिए जो कुछ भी हो दिखाते हैं छोटा छोटा करके एक छोटा ब्लॉग आप सभी के लिए आएंगे. और सच में यार यार के साथ हेमंत अभी जा रहे हैं यहाँ से मैं जाऊँगा पानी.
सनराइज हो रहा है, आप देख सकते हैं जिस एक टिपिकल गांव का। सो टाटा बाय बाय, दिस अमेजिंग प्लेस। और अभी फिलहाल मेरे पास दो लाइव, मतलब क्या कहे, दे आर लाइव गूगल मैप्स है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से दो लाइव नेटवर्क है, गूगल मैप है। तो इनकी फैमिली रिलेटेड, तो इनको भी मैं साथ लेके जा, अभी मैं निकल रहा हूँ शिमले का। सो यू कैन सी द अमेजिंग ब्यूटी। और यहाँ पे हो गया क्या, धूप बहुत तेज़ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं दिखा पाऊँगा जितना हो सके। कम से कम यहाँ से लगभग कितना, डेढ़ दो घंटे का सफ़र होगा, ऑलमोस्ट लाइक एक डेढ़ घंटे में पहुँचूँगा शिमले का। फिर जितना भी हो उसी हिसाब से आप सभी के साथ कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे शेयर करने के लिए। सो इट वॉज़ रियली एन अमेजिंग टाइम। उस हिसाब से शादी वगैरह सब कुछ हो गया, लास्ट में कुछ ना कुछ आप सभी के साथ शेयर करेंगे किस हिसाब से क्या हुआ था। तो लेट्स सी। हम लोग अभी सिमडेगा के बीच में ही हैं, पहुंचने वाले हैं, टाइम लगेगा, फिर भी यू कैन सी द अमेजिंग ब्यूटी ऑफ हियर। थोड़ा बहुत फोटो वगैरह खींच लिया और ये आप देख सकते हो। सो अभी रास्ते में है। सो दिस इज, इन लोगों के हिसाब से सभी लोग कहते हैं कि ये बुधाधार जो ब्रिज है ये झारखंड का सबसे लंबा है। सो यू कैन सी अमेजिंग ब्यूटी ऑफ हियर। और क्या दिखाऊँ आपको, उस तरफ से कुछ आ रहे गाड़ी इसी हिसाब से है, और टेम्परेचर क्योंकि बढ़ रहा है तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं दिखाऊँगा। सो दिस इज द अमेजिंग ब्रिज ऑफ हियर। सो लेट्स गो। छोटा सा देख लो आप, स्टॉल इतना छोटा है यार, दो तीन बार मैं यहाँ पे लगा, सर लग चुका है। तो चाट बना के रखे है, उसका भी है, मतलब ये हम लोग का गोलगप्पे, समोसा, फिर पकौड़े वगैरह, जलेबी वगैरह कुछ कुछ है, तो थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे छलनी लगा के मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे फ्यूल डाल रहा हूँ, जो भी हो पहुँचते हैं।